एन आई एस के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशा महाराणा, प्राचार्य सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय मंदसौर, आपसे लिंग भेद से उबरने के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। लिंग भेद से उबरना, लिंग भेद से उबरने का मतलब है लिंग भेद को खत्म करना। लिंग भेद, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मनोवृत्ति को बदलें और बेटियों के लिए एक स्वस्थ सोच बनाएं, बेटे और बेटी में अंतर नहीं करें। इसकी शुरुआत हम घर से ही कर सकते हैं, क्योंकि घर से ही लिंग भेद को खत्म किया जा सकता है। शिक्षार्थियों, आप सभी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि समाज में लिंग भेद जो है अभी आज के समय भी इतना ज़्यादा गहरा गया है कि हम अपनी बेटियों को बाहर जाने के भय से डरते हैं। हम अपनी बेटियों को घर में अकेले नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि लिंग भेद को जो है कुछ प्रकृति द्वारा भी विशेषताएं दी गई है। लिंग भेद को जो है प्राथमिकता प्रकृति ने ही दी है कि लड़कियां माँ बन सकती है और लड़के कालांतर में पुरुष बन करके पिता बन सकते हैं। तो ये कुछ जैविक जो है अंतर हमको मिला है विरासत में प्रकृति से। यही भेद अगर समाज में उसको गलत तरीके से अंतर जो कर दिया गया है, उस अंतर की वजह से हमको आज महिला होने के नाते परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप भी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो इस चीज़ों को महसूस करती होंगी कि एक छोटी सी चीज़ के लिए जो कि आपके भाई को बहुत आसानी से मिल जाता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप पढ़ती भी हैं, घर का काम भी करती हैं। जब आपकी शादी होती है तो घर का भी सारा काम करती हैं आप, बच्चे का लालन पालन करती हैं, उसके बावजूद भी पढ़ती हैं। मैं बीएड कॉलेज में बहुत दिनों से पढ़ा रही हूँ और मुझे इसका बहुत बुरा अनुभव हुआ है। शिक्षार्थियों, आप में से कई सारी जो है महिलाएं होंगी, मैं भी महिला हूँ, तो महिला होने के नाते मुझे पता है कि महिलाओं के साथ क्या क्या बुरी बुरी परिस्थितियाँ हो सकती है। उसको यहाँ जो लिंग भेद का सामना सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी करना पड़ता है। मेरी एक छात्राध्यापिका महिला है, उसके पति ने और उसने दोनों ने बीएड की प्रवेश परीक्षा दी थी, जिसमें कि उसके पति का चयन नहीं हुआ पर उस लड़की का चयन हो गया। उसने बड़ी मुश्किल से प्रवेश लिया। प्रवेश के बाद वो कॉलेज भी आती थी तो कई बार अपनी समस्याएं मुझे बताती थी कि मैडम बहुत दिक्कत होती है, बच्चे को भी देखना पड़ता है, सब घर का काम भी करना पड़ता है, उसके बाद में कॉलेज आ पाती हूँ। अंततः एग्जाम के दिन ऐसा हुआ, जिस दिन उसकी बीएड की परीक्षा थी, उसके पति ने और घर वालों ने मिलकर के उसके बाहर से उसको लॉक कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और वो परीक्षा नहीं दे पाई। बाद में मुझसे मिली, हालाँकि वो आज भी परीक्षा दे रही है, पढ़ रही है। पर देखिए, लिंग भेद का शिकार अभी भी हम सभी महिलाएँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम इसका जो है शिकार हो ही रहे हैं। इससे उबरने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मनोवृत्ति को बदलें। अब मनोवृत्ति को बदलने के लिए ज़रूरी है कि घर पर हम ध्यान दें। हम जो अपने बच्चे का लालन पालन कर रही हैं, हम अपने बेटी बेटी में अंतर नहीं करें, क्योंकि यहीं से बेटा देखेगा कि नहीं, जैसा मैं हूँ वैसी मेरी दीदी भी है। जो सुविधाएँ मुझे दी गई है वही सुविधाएँ दीदी को भी दी जाती है। तो वही बच्चा जब कल को बाहर निकलेगा तो शायद वो भी लिंग भेद की मानसिकता से उबर जाएगा और तभी हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। हमारे समाज में अभी भी ऐसा कहा जाता है कि अभी भी लोगों की यही सोच है कि पुरुष जो है बाहर का काम करेगा और महिलाएं जो है वो घर का काम करें, मेहंदी प्रतियोगिता में सहभागिता निभाएं। सबके लिए अलग होता है, लड़के के लिए खेल की व्यवस्था होती है, लड़कियों के लिए चेयर रेस हो जाएगी, लड़कियाँ मेहंदी प्रतियोगिता में, रंगोली प्रतियोगिता में, इन सब में हिस्सा लेती है। तो यहाँ भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि उनको बताए कि नहीं, जितना जो लड़कियां घर में काम करेगी तो तुमको भी काम करना है, क्योंकि आज के समय में ऐसा है कि लड़के और लड़की दोनों बराबर हैं। को इस चीज़ को अब लिंग भेद को समाप्त करना है, हमें हमारी मानसिकता में परिवर्तन लाना है। जितना काम लड़कों को करना है बाहर जा कर के, उतना ही काम लड़कियों को भी करना है और लड़कों को भी उनको बताना चाहिए कि तुम्हें घर का काम भी करना चाहिए, लड़कियों को भी बताना चाहिए कि तुम बाहर के काम में भी हिस्सा ले सकती हो। तो जब अगर ग्रुप बनाया जाता है, कोई समूह बनाया जाता है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए कि अगर बाहर का काम लड़का कर रहा है तो वही काम लड़कियों को भी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कार्यस्थल पर अगर असमान वेतन की बात हो तो महिलाओं को इसका विरोध करना चाहिए। नौकरी जाने के डर से चुप नहीं रहना चाहिए। घर या बाहर कहीं भी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। अपने हिस्से का काम करना चाहिए, इसमें किसी पुरुष सहकर्मी की सहायता नहीं लेनी चाहिए। हम महिलाएं होने के नाते हम लोग कई बार दूसरों से सहायता लेते हैं, अपने सहकर्मी को कहते हैं कि सर अगर आप वहां जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चली चलूँगी, हमको अकेले जाने में डर लगता है। यहां पर हमारी ये भूमिका होनी चाहिए कि हम अपने आप को सबल समझें, क्योंकि अगर
प्रकृति ने हमको कुछ विशेषताएं दी है तो हमें उस विशेषताओं का जो है भरपूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम महिलाएं जो है समाज के एक शक्तिशाली खंभे के रूप में हैं। बच्चों को जन्म देना हमारी कमजोरी नहीं होती है, बच्चों को जन्म देना हमारी शक्ति की निशानी है, क्योंकि हम जननी हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा अगर हमारे साथ कहीं भी कोई भेदभाव होता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, अगर कोई मजाक उड़ाता है तो उसका जवाब देना चाहिए। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी किसी से गलती से भी सहायता नहीं लें, क्योंकि उनको लगेगा अरे ये तो औरत है, ये तो अकेले से अपना काम कर ही नहीं सकती है, ये आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकती है। हमें हमारी जो अंदर की कमजोरी है उसको बाहर निकालना है, उसको हमें हमारी ताकत बनानी है। ये ज़रूर है कि हमको ध्यान रखना चाहिए, महिला होने के नाते कहीं ना कहीं हमारी कुछ सीमाएं होती है और वो सीमाएं गलत नहीं है। हम माएँ हैं, हम अपनी बेटियों को भी ये चीज़ बताएं कि तुम कहीं भी जाओ, कार्यस्थल पर जाओ, तो वहाँ भी तुम ध्यान रखो, क्योंकि जो विभिन्नता जैविक के रूप में हमको विरासत में मिला है उस विभिन्नता का हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। शायद कुछ जो हमारे साथ अभी जो हो रहा है बेटियों के साथ, या बेटियां ही नहीं कई सारी ऐसी वृद्धा महिला भी हैं जिसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो हम उस चीज़ को देखें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक ऐसे समाज की स्थापना करनी पड़ेगी जो भयमुक्त हो, जहां महिलाएं भी आसानी से अपना काम कर सकती है, चाहे रात हो या दिन हो, कहीं भी जाए और उसके साथ कोई घटना ना घटे। इसके लिए जहाँ सरकार भी कुछ अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, वहाँ हमें भी कुछ करना चाहिए। सरकार ने संविधान के रूप में हमको बहुत सारी शक्तियाँ दी है, लेकिन उस शक्तियों का भी पालन हम तभी कर पाएंगे जब हम सशक्त रहेंगे, जब हम हमारे साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। जो औरतें कमज़ोर होती है उसका फ़ायदा घर वाले उठाने के साथ साथ बाहर वाले भी उठाते हैं, बल्कि मैंने तो कई जगह ऐसा देखा है कि जिस बेटे को माँ ने जन्म दिया है वही बेटा अपनी माँ की कमजोरी का फ़ायदा उठाता है। तो हमें अपनी कमजोरी का फ़ायदा किसी को नहीं उठाना चाहिए, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश भारत में लिंग भेद को कम करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। 1963 में महिलाओं के लिए समान वेतन अधिनियम लागू हुआ। 1964 में रोजगार में भेदभाव के खिलाफ अधिनियम बनाया गया। 1975 में बच्चे के देखभाल के लिए पिता को भी जिम्मेदार बताया गया। विभिन्न प्रकार की शिक्षा नीतियों द्वारा बालिकाओं को शिक्षा के लिए शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहां घर में भी अब मानसिकता चेंज हो रही है। मैंने बहुत जगह ऐसे लोगों को देखा है जिनके यहाँ सिर्फ एक पुत्री है, उन्होंने कहा कि एक पुत्री काफ़ी है, इसी को पढ़ाई लिखाएंगे, यही हमारे जीवन की धारा बनेगी, हमको बेटे की ज़रूरत नहीं है। कई जगह मैंने बेटे की माँ को दुखी होते हुए देखा है, क्योंकि बेटे से जो उसको संवेदनशीलता चाहिए, जो सहायता चाहिए, जो नैतिक उसको विश्वास चाहिए, वो बेटों से नहीं मिल रहा है। कई जगह बेटियाँ घर का काम बहुत अच्छे से कर रही है, अपने पापा मम्मी को अपने कमाई के पैसे से उसका पालन पोषण भी कर रही है। तो आज अब वो समय चला गया कि जब हम बेटे बेटी में भेद करते थे, अब बेटे बेटी में भेद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए बेटियाँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि बेटा, तो दोनों पर हम बराबर ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखते हुए मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और आप अपने घर और विद्यालय में भी लिंग भेद से उबरने का प्रयास करेंगे और अपने जो है विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित करेंगे। बल्कि कई बार तो मुझे कुछ मेरे जो विद्यार्थी लड़के हैं वो बोलते हैं कि मैडम लड़की होने के कारण इसको बहुत फ़ायदा मिलता है, हमको जो है इसका नुकसान होता है। तो मैं सभी शिक्षक साथियों से ये कहना चाहूँगी कि लड़के लड़की में इस तरह की कोई पक्षपात ना करें, भेदभाव नहीं करें, क्योंकि भेदभाव से जो है विकृत मानसिकता का जन्म होता है। इस विकृत मानसिकता से हमारे समाज को नुकसान होता है, विकृत मानसिकता वाले लोग विध्वंसकारी होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए और लिंग भेद से उबरने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।